हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम टेंस की क्लास टेंथ करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके चार प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस जिसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चार टाइप होते हैं और इनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में विल, उसके बाद में सेल और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई और वी के साथ तो सेल का यूज होगा, अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का यूज होगा। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका यूज फ्यूचर में होने वाले सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिलेगा? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने वाले शब्द मिलेंगे, जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन 2025, इस प्रकार के शब्द आपको जरूर मिलेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आई सेल हेल्प यू, तो आई के साथ क्या आया? सेल। किसके साथ आता है? सेल। आई और वी के साथ। ठीक है, दे विल गो टू कॉलेज टुमारो। अब टुमारो आते ही आपको समझ जाना है कि या तो सेल आएगा या विल आएगा, और विल सेल के लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। फिर अगला देखिए, माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बता रखा है, मतलब विल या सेल आएगा। ही विल अराइव एट 6 o'clock, इसमें भी आपको फ्यूचर टाइम का कोई ना कोई क्लू जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद में आपका सेकेंड रूल है कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है ना, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। ठीक है, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा और उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी। कैसे, जैसे देखते हैं अभी एग्जाम्पल देखो। आई सेल बाई ए कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस इधर हो गया और एक सेंटेंस इधर हो गया। अब इनके बारे में जानते हैं और भी अच्छे से इनको समझते हैं। तो देखो, जिसके साथ में, जिस सेंटेंस के साथ में कंडीशन आ रही है वो आपका कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और उसको कौन से टेंस में बनाओगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जिसके साथ कंडीशन आ जाए वो सेंटेंस आपका कौन से टेंस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इसके अलावा जो शेष सेंटेंस बच गया आपका, मतलब प्रिंसिपल क्लोज जो बच गया, वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए, इफ कंडीशन आ गई तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर शुरू में आपको कंडीशन दिखाई दे रही है तो आपको कॉमा जरूर यूज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, सी विल कम, तो इफ यहाँ पे आ रहा है तो इसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस और इधर सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन अब की बार कॉमा नहीं है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन इट रेंस, ये आपकी कंडीशन आ गई और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया और कॉमा आ गया। फिर देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इस प्रकार भी आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो चलिए अब इनको हिंदी में भी देख लेते हैं। इफ यू कम हियर आई सेल हेल्प यू, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें दोनों सेंटेंस हिंदी में अगर देखें तो इनका भाव फ्यूचर का ही होगा, लेकिन कंडीशन होने के कारण कंडीशन वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। इसी प्रकार और देखो, सी विल कम इफ यू राइट टू हर, वह आएगी यदि तुम उसे लिखोगे। अगला देखो, व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो, जब वर्षा होगी तो पौधे उगेंगे या बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। रूल नंबर थर्ड क्या है? सब्जेक्ट मिल जाए आपको हैज या हैव। अब हैज हैव, आप सोचोगे कि सर ये तो परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन आगे देखो, हैज हैव के बाद में 2+ verb की फर्स्ट फॉर्म, जिसे इन्फिनिटिव बोला जाता है, ये मिल जाए तो उसका मतलब भी सिंपल फ्यूचर टेंस ही होता है। कैसे? देखो, इस प्रकार के रूल्स भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। यही कारण है हैज हैव 2+ verb की फर्स्ट फॉर्म को भी सिंपल फ्यूचर टेंस में माना जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे? आई हैव टू पे द फीस, मुझे फीस जमा करानी है, मतलब अभी करवाई नहीं है, आगे भविष्य में करवानी है। ही हैज टू कम इन टाइम, उसे समय पर आना है, आया नहीं है। सी हैज टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, उसे हर कीमत पर इस कार्य को करना है, मतलब अभी किया नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद में आपका रूल नंबर 4 है, जिसमें सब्जेक्ट इजार एम आएगा और उसके बाद में देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, 2+ verb की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल से देखो, ये भी आपको फ्यूचर का ही बोध कराएगा। कैसे? ही इज टू कम टू पटना, वह है पटना आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो, हुए नहीं हो, होने वाले हो। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर नोट कर लेना है कि एग्जामिनेशन के लिए एपियर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला आपका रूल नंबर 5 है, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, इजार एम आएगा, उसके बाद में अबाउट और उसके बाद में 2+ verb की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इन्फिनिटिव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में माना जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
पेशेंट इज अबाउट टू डाई, रोगी मरने ही वाला है, जस्ट मरने ही वाला है, कुछ ही समय बचा है। सी इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाने गाने को है या गाने वाली है, मतलब कभी भी शुरू कर सकती है, फिक्स नहीं पता। ठीक है, तो इसके बाद में अगला रूल आपका है, सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आएगा, लेकिन फिर भी किस क्या बताएगा, फ्यूचर टाइम को बताएगा, क्योंकि आगे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट, गोइंग आ गया, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेवरल बुक्स, मैं कई पुस्तकें लिखने जा रहा हूँ, अभी लिखी नहीं है, आगे लिखूंगा। ही इज गोइंग टू बाई ए मोटरसाइकिल टुमोरो, ठीक है, वह कल मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड भी आ गया। इज इट क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस सभी क्लासेस फ्री मिल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।